कहानी जो है ये राइटर है रूमी जाफरी. रूमी ने कहानी का आइडिया सुनाया था और वहाँ से इसकी पूरी डेवलपमेंट हुई कहानी की. वहाँ से डिसाइड किया फिल्म बनाने के. अच्छा एक्ट्रेस या अच्छी एक्ट्रेस जानना, कोई कहेगा कि मैं जानता था तो वो गलत है. यही है कि आप इससे मिलके एक जज कर सकते हैं कि शायद वो शायद नहीं. कभी आदमी सही होता है, कभी गलत होता है. ऐश के साथ भी ये था, जब मैं ऐश से मिला वो ऑलरेडी मिस वर्ल्ड जीत चुकी थी, बन चुकी थी. तो मुझे लगा था कि इसमें कॉन्फिडेंस बहुत है और ये एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेगी. जब ये प्रोजेक्ट बना था तब ये था कि बॉबी और ऐश्वर्या होंगे इसमें. ये कहना कि ऐश की पहचान बेसिकली उसकी डांसिंग स्किल है, ये आई थिंक इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू ऐश. ऐश एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, ऐश परफॉर्मर अच्छी है और ऐश डांसर भी अच्छी है. ट्रेनिंग तो कुछ है नहीं, ज़्यादा उनकी स्पॉन्टेनिटी है और मेहनत. देखिए डायरेक्टर जो है वो कोई जादूगर तो है नहीं कि बोले कि ऐसा काम कर लो और वो काम कर लें. जो बेसिक चीज़ है वो तो आर्टिस्ट से आती है. डायरेक्टर ये कर सकता है कि उसमें उनकी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में. बस देखिए ये पहली फिल्म थी बॉबी के साथ, लेकिन आखिरी है ये तो हम बोल नहीं सकते. ये इत्तेफाक ये हुआ कि उसके बाद कोई स्क्रिप्ट ऐसी आई नहीं जिसमें बॉबी को सूट करे. एपेंजल में काफ़ी काम किया था हमने जुरिक के पास, और स्टार्ड में रहे थे हम लोग, लेकिन शूटिंग हमने अलग अलग जगह की थी. मेरे को याद एक जगह थी ब्यूल और एक और जगह मेरे को जो मैनिकलिन नाम की जगह, बस स्विट्जरलैंड में किया था सारा. और एक गाना जो है वो हमने सिंगापुर में किया था, वो जो बॉबी और ऐश का गाना था जिसमें शराब पी हुई है ऐश ने, वो सिंगापुर में किया था. इटली में एक फाउंटेन है जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये विशिंग फाउंटेन है, तो ये सीन था फिल्म में. लेकिन वहाँ जब हम गए तो वो एक फाउंटेन सा था. मेरा ख्याल है यूरोप में जितने ये फाउंटेन्स हैं बड़े पार्क में, लोग समझ लेते हैं कि ये विशिंग फाउंटेन है, तो वैसे एक क्रिएट किया हुआ था. सिर्फ जो उसमें एक सेकेंड हाफ में एक पोर्शन था जो एक सैड वर्जन था ऐश का, वो सिर्फ छोटा सा वर्जन था, वो हमने खंडाला में शूट किया था. हम लोग शूटिंग कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिक में शूटिंग कर रहे थे और सनी लंदन जा रहा था. तो ऐसी लोकेशन पे तो वहाँ सनी आ गया. उसने कहा कि मैं सोचा एक ब्रेक कर लूँ, सबसे मिल के चल जाऊँ. तो वहीं पर यह कहा मैंने सनी से कि सनी एक ये छोटे से दो शॉट कर ले. तो उसने कहा मैं कर लेता हूँ. वैसे वो बहुत काम किया मैंने सनी के साथ और काफ़ी किया हुआ है और अभी भी कर रहा हूँ. तो बस यही है, जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से ही. सनी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ काम करने में, तो बहुत सालों से हम एक साथ काम कर रहे हैं. पता नहीं था, हमने ऐसे ही सोचा कि जब फिल्म ये कि इसमें म्यूज़िक नुसरत साहब करें. तो फिर मैं लंदन गया नुसरत साहब से मिलने और वो इमीडिएटली मान गए करने के लिए. फिर गाने रिकॉर्ड हुए हैं फिल्म के, तो उसमें एक गाने में जो कवाली थी बेसिकली कवाली के पैटर्न पे थी, वो नुसरत साहब ने गाया था. तो हमने सोचा कि अच्छा रहेगा अगर नुसरत साहब स्क्रीन पे भी हो. तो उनसे बात की तो वो मान गए थे. वो चाहते थे कि जावेद साहब लिखें. और तो जब मेरे से बात हुई लंदन, ने कहा कि गाने या तो जावेद साहब से लिखवाएं या बख्शी साहब से लिखवाएं. उस टाइम बख्शी साहब बहुत बिजी थे कुछ फिल्मों में और जावेद साहब से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात भी हैं. तो फिर जावेद साहब से